पे था, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था बेटा, और एक पेनिट्रेशन पावर था, और एक कॉन्फिग्रेशन था। चार चीजों पे डिपेंड कर रहा था, राइट? किस-किस चीज पे बेटा? पेनिट्रेशन पावर, फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो आयनेशन एनर्जी, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा था। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज कर रहा था बच्चों, उतना ही क्या होगा? हाँ जी बेटा, बता रहा हूँ बेटा, अभी बता दूंगा मैं। तो आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है, तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा आयनेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए हमने बोला था अलॉन्ग द पीरियड में आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है बेटा, और डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या होगा, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बेटा, राइट? थर्ड फैक्टर था बच्चों पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब अगर सेल सेम है, ठीक है ना, राइट? और अगर आपको एटम्स निकालना है एक एस ऑर्बिटल से और एक डी पी ऑर्बिटल से, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, तो उस पे न्यूक्लियस का ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसलिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जो पेनिट्रेशन पावर है बच्चों, वो क्या है, वो एस की सबसे ज्यादा, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। द रीजन इज क्योंकि डी सबसे नजदीक है न्यूक्लियस के, उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ। तो आयनेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर था, या पेनिट्रेशन कैपेसिटी था बेटा। और लास्ट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या कहा था बच्चों, कि आयनेस एनर्जी अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्टेबल का मतलब था या तो हाफ फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड, या कंप्लीटली फिल्ड, मतलब P3 हो, या P6 हो, या D5 हो, D10 हो, या S2 हो। तो अगर कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको पुल आउट करना है, दिस मीन्स इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है, राइट? क्लियर है बच्चों? तो ये क्या था, तो हमने ये चार फैक्टर डिफाइन किए थे बेटा, आयनेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था बेटा, ठीक है। फिर हमने कुछ ट्रेंड्स डिस्कस किए थे बेटा, ट्रेंड्स डिस्कस किए थे। ट्रेंड्स में ये था कि अलोंग द पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। हीलियम था, उसकी हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी थी पूरे पीरियोडिक टेबल में, और सीजियम की सबसे लोवेस्ट थी। क्लियर है? ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था बेटा सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड का जो करेक्ट ऑर्डर है आयनेशन एनर्जी का बच्चों, वो क्या था, हम अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, बट यहाँ पे क्या है बच्चों, बेरिलियम की ज्यादा थी बोरॉन सी, और नाइट्रोजन की ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। रीजन मैंने क्या दिया था, बेरिलियम में 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 2s2 2p1 है। सो दिस मीन्स ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है, और ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब बेरिलियम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है बच्चों, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू बोरॉन। सो इसीलिए बेरिलियम की ज्यादा होगी किससे, बोरॉन से। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करता हूँ बेटा, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3 बेटा, तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, और ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड भी नहीं ना, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, 2p4 है। सो दिस मीन्स क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इतना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दिस मीन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन बेटा। क्लियर है? तो इसलिए नाइट्रोजन का क्या रहेगा, ज्यादा हो जाए किससे, ऑक्सीजन से बेटा। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, राइट? क्लियर है? और बाकी ट्रेंड्स भी बेटा डिस्कस किए थे मैंने। फिर मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि अगर कैटायन होता है, कैटायन आता है, तो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज आएगा बच्चों, उसकी आयनेस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो फॉर कैटायन आयनेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज था। क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन निकालते हो, चार्ज ज्यादा आता है, तो दो चीजें होती हैं, एक तो उसका साइज भी कम हो जाता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो उस दोनों की वजह से क्या होगा बच्चों, आयनेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन क्या हो जाएगा बच्चों, एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एटम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, राइट? और एनायन में क्या था बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, चार्ज था। एनायन में जितना ज्यादा चार्ज आएगा, जेड इफेक्टिव उतना कम होता है, ठीक है, और साइज भी इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए
एनायन में अगर क्या होगा, सेम एटम्स के एनायन है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी बेटा। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, मैंने थोड़ा ब्रीफ किया बेटा, राइट। हम आज अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो सबसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के क्लास में पहले तो फिलहाल, ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, राइट। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 and 4 ऑफ एन एटम आपको गिवन है। ये 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, 25.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 48.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 170 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, अगर हमें चार आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी बेटा, 4 आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमें गिवन है, तो उसमें से पूछा हुआ है इसने कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, क्लियर है बच्चों, ठीक है, राइट। तो हमें क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम एक एक करके चार इलेक्ट्रॉन निकालते किसी एटम से, तो उनकी आयनाइज एनर्जी इतनी गिवन है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, ठीक है, राइट। सो देखिए क्या है बेटा, इसको कैसे अप्रोच करना है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो एनर्जी क्या हुई, हमने बोला था सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, 7.5 से 25.6 हुआ, फिर 48.6 हुआ, फिर 170.6 हुआ बेटा, ठीक है, राइट। तो कहने का ये मतलब है, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो कुछ आयनाइज एनर्जी भी इंक्रीज करी, फिर दूसरा निकाला तो भी इंक्रीज करी, ठीक है, तीसरा निकाला तो इंक्रीज करेगी, जो चौथा निकालेंगे तो क्या हो रहा है उसमें, यहाँ भी इंक्रीज करी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने पर सबसे ज्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने पे सबसे ज्यादा एनर्जी का चेंज आ रहा है, गैप आ रहा है, कौन बताएगा, फोर्थ, क्या आएगा, फोर्थ। जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे बच्चों, तो उस केस में एनर्जी का गैप या एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब आपने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड निकाला तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन जब आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला तो अचानक ही आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा बच्चों, जब आप तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगी कि अचानक ही क्या हो रहा है, आपकी आयनाइज एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, राइट। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आयनाइज एनर्जी अचानक इंक्रीज करती है, तो याद रखना उस केस में हमेशा जो सेल होगा बच्चों, जो सेल होगा वो क्या करेगा, चेंज होगा, सेल क्या करेगा, चेंज होगा। तो अगर आप देखें इसमें से, अगर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो, या थ्री इलेक्ट्रॉन के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन, जब मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो किस कॉन्फ़िगरेशन में सेल चेंज हो रहा है, कौन बताएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने फर्स्ट सेकंड जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेल चेंज हो रहा है, तभी आपके पास क्या होगा, इतना एनर्जी का चेंज आएगा। सेल चेंज होने का मतलब नजदीक आ गए हम न्यूक्लियस से, और इसीलिए आयनाइज एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो किस कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालूंगा, थर्ड के बाद जब फोर्थ निकालेंगे तो सेल चेंज हो चुका होगा, कौन बताएगा किस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होगा बच्चों, कौन बताएगा, सेकंड में, ओके, बिल्कुल सही है, कोई और बता सकता है सेकंड में क्यों करेंगे, अंशुमन सेकंड में क्यों करेंगे, अंशुमन क्या रीजन देंगे सेकंड के लिए, सर सेल नंबर चेंज हो जाएंगे जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, सेल नंबर चेंज होगा, बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम देखें सेकंड कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों, तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बेटा। जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालूंगा आयनाइज एनर्जी 1, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका होगा, 3s2। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बच्चों, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका होगा, 3s1। जब मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 3s0 बेटा।
सो दिस मीन्स क्या होगा, ये जीरो हो चुका होगा, अब क्या आएगा यहाँ पे 2p6 आ चुका होगा। इसका मतलब जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप कौन से सेल से निकालोगे, सेकंड सेल से निकालोगे, मतलब ये 2p5 होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब आपने फर्स्ट थ्री इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपने कौन से सेल से निकाले, थर्ड सेल से निकाले या थर्ड ऑर्बिट से निकाले, लेकिन जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे बच्चों तो कौन से सेल से निकालोगे, आप सेकंड सेल से निकालोगे। तो इसका मतलब आप न्यूक्लियस से नजदीक आ गए, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल और ये कौन सा थर्ड सेल। इसका मतलब पहले आप इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल रहे थे तो तीन इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाले, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप यहां से निकालोगे, सो दिस मीन्स एनर्जी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुका होगा बच्चों, तो बढ़ चुका होगा तो एनर्जी क्या लगेगी आपको, ज्यादा लगेगी। तो जब कभी भी बच्चों याद रखना क्या होगा, आयनिस एनर्जी में ज्यादा गैप आ रहा है, अचानक ज्यादा गैप आ गया तो आप समझ जाना कि वहां पे नंबर ऑफ सेल जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ज्यादा से कम हो रहा है, डिक्रीज करके, मतलब अगर फोर्थ सेल है तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड है तो सेकेंड हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों, बताइए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा सभी को, क्लियर है बच्चों? क्लियर है सर। ठीक है, राइट, रियांशी आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, प्लीज हाँ जिसको भी क्लियर नहीं है, मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था बेटा, आई विल रिपीट द टॉपिक, सो डोंट वरी। हाँ मैं टॉपिक को, कोई भी अगर टॉपिक मुझे लगता है और आपको लगता है कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ है ऑनलाइन क्लास में, प्लीज लेट मी नो बेटा, आई कैन रिपीट इन द क्लास। ठीक है, राइट, बस आपको क्या करना है, नोट्स आपको सुनना है, प्रॉपरली सुनना है, नहीं होगा तो मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज आपको पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हो या मैसेज भेज सकते हो बेटा, हम डिस्कस कर लेंगे जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, राइट, तो ये क्वेश्चन था बच्चों, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा है बेटा, ठीक है ना, व्हेनेवर देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव आयनिस एनर्जी देयर मस्ट बी चेंज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है ना, इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन IE3 एंड IE4 देयर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंस, सो देयर मस्ट बी सेल नंबर चेंज व्हाइल रिमूविंग द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेल चेंज हो चुका होगा, पहले में क्या है थर्ड सेल था, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सा आएगा बेटा, सेकंड सेल आ जाएगा। क्लियर है, तो प्लीज नोट डाउन द रीजन बेटा, अगर आपको रीजन लिखना है, अगर आपको याद रहेगा रीजन तो कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है बेटा, यू कैन इजीली डू इट आल्सो, बट स्कूल में कभी आ जाए आपको कि एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या करेंगे बेटा, उस केस में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या होगा, यहाँ पे सेल चेंज हुआ होगा बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया? नो सर। ठीक है, करिए बेटा। बताना बेटा जब नोट कर लिया हो तो। हाँ जी बेटा, नोट्स भेज दूंगा बेटा मैं, मैंने कल की क्लास के भी भेजे थे बेटा, आज के भी भेज दूंगा मैं। हो गया सर। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है, अगर आपके सामने ऐसा आ जाए क्वेश्चन, तो बताइए इसका क्या आंसर करेंगे आप। 5 सक्सेसिव आयनिस एनर्जी आपको गिवन है बेटा, 800, फिर 1427, फिर 2658, फिर 25024, यहाँ पे 25,000 हो गया, फिर 32824 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बेटा, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 5 आयनिस एनर्जी आपको गिवन है, दैट इज वैलेंसी बेटा।
तो वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यूजली इतना ही होता है सभी मॉलिक्यूल्स का जनरली। तो क्या रीजन दे सकते हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे क्या क्या किसकी क्या वैलेंसी होगी बेटा, कौन बताएगा? व्हाट इज द वैलेंसी? आप देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए, जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो 800 था, फिर 1427, फिर 2600, और जब आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो बताइए एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा आया कि नहीं आया? 2600 से 25,000 हो गया बेटा। तो एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया जब आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे आप? तो इसका मतलब जब आप कौन सा इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे होगे तो सेल चेंज हुआ होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 1, 2 और कितना? 3। क्योंकि तीसरे जब आपने फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेल चेंज हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 3 रहे होंगे। तो जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अचानक क्या होगी, काइनेस एनर्जी बहुत बढ़ गई, इसका मतलब सेल चेंज हो गया होगा बेटा। तो सेल चेंज हो गया होगा इसका मतलब पहले में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, राइट। 3 निकलने के बाद अचानक काइनेस एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर गई, इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 3। सो दिस मीन्स इसकी जो वैलेंसी है बेटा वो कितना रहा होगा? 3 रहेगा। कितना होगा? 3 होगा। तो राइट आंसर क्या है बेटा? 3 आंसर है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन क्या है, आइनेस एनर्जी 3 और 4 बेटा। तो 3 और 4 में ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होगा, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप विदड्रॉ करोगे तो आइनेस एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो दिस मीन्स क्या होगा, सेल चेंज हो जाएगा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? क्लियर है रिद्धि? आपको क्लियर है बेटा? रिद्धि आपको समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? रिद्धि मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। क्लियर बेटा? राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है IE1 और IE2, फर्स्ट और सेकंड आइनेस एनर्जी Mg की गिवन है बेटा, कितनी? 178 और 348 किलो कैलोरी पर मोल बेटा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन Mg गिव्स Mg2++2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट और सेकंड आइनेस एनर्जी गिवन है और पूछा हुआ कि इसकी एनर्जी बताइए कितनी होगी इस रिएक्शन की, ठीक है, राइट। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, राइट। देखिए क्या है यहाँ, इसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आइनेस एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों, कि Mg क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकला Mg+ और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ इसको मैं फर्स्ट आइनेस एनर्जी कह सकता हूँ बच्चों, आइनेस एंथैल्पी कह सकता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा हमें, इसको हम फर्स्ट आइनेस एनर्जी बोलेंगे ये। अब जब आपने क्या करा, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो आपको क्या मिला, Mg2++1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये सेकेंड हो गया, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, IE2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IE2 कहेंगे, IE2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IE2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IE2 बोलेंगे। अब क्या कह रहा है बेटा वो, हमें इसकी आइनेस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, Mg गिव्स Mg2++2 इलेक्ट्रॉन, इसकी आइनेस एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है इसकी, ठीक है। तो अगर आप देखिए बेटा कि ये रिएक्शन कैसे आ रही होगी, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये रिएक्शन की हमें आइनेस एनर्जी की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं रिएक्शन 1 और 2 को बच्चों, क्या है, रिएक्शन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, तो देखिए यही रिएक्शन आ जाएगी कि नहीं आएगी। देखिए जब आप रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये लेफ्ट और ये राइट वाला कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैथ्स में कैंसिल होता है,
तो ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट वाला राइट से कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आया बेटा Mg आया, इधर क्या बचा Mg 2 प्लस, और इधर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी की आयनिस एनर्जी उसने पूछी हुई थी आपसे कि इसकी आयनिस एनर्जी बताओ। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो आप रिएक्शन के साथ करेंगे, अगर आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो एंथैल्पी भी ऐड होगी, रिएक्शन को माइनस कर रहे हो तो एंथैल्पी को भी माइनस करोगे, या रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एंथैल्पी को भी किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब बच्चों, जो रिएक्शन के साथ करोगे वही आपको एंथैल्पी के साथ भी करना पड़ेगा। अगर आप प्लस कर रहे हो रिएक्शन को तो एंथैल्पी प्लस होगी, अगर रिएक्शन को माइनस कर रहे हो तो एंथैल्पी माइनस होगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी से तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां मुझे बताइए बच्चों, अगर मैंने रिएक्शन को ऐड कर दिया तो ये जो एंथैल्पी आएगी, आयनिस एनर्जी या एंथैल्पी आएगी, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये डेल्टा एच किसके बराबर होगा बच्चों बताइए। बिल्कुल, तो ये वाली वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये वाली वैल्यू हमें गिवन थी 178 बेटा किलो कैलोरी पर मोल, और ये वाली वैल्यू गिवन थी हमें 348 किलो कैलोरी पर मोल। तो टेल मी व्हाट इज द आयनेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन बेटा, इसका क्या आया हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 178 प्लस कितना बेटा 348, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 526 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा बताइए। यस, पर दोबारा करा दो, दोबारा करा दें, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, हमें क्या गिवन था, फर्स्ट आयनिस एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, फर्स्ट आयनिस एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला होगा, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो Mg प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ क्या लिखोगे, यही लिखोगे बेटा कि नहीं लिखोगे बताओ, यस या नो बेटा बताइए। यस सर, ठीक है, राइट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट आयनिस एनर्जी या IE1 लिखते हैं, या इसको फर्स्ट लिख दें IE फर्स्ट लिख दें डेल्टा, ठीक है, राइट, ये फर्स्ट आयनिस एनर्जी होगी। इसकी वैल्यू गिवन थी बेटा 178, और जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला होगा IE2 जो आपको गिवन है, IE2 का मतलब क्या होगा, Mg प्लस 1 से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला होगा आपने, तो ये क्या बना होगा Mg2 प्लस ये E, इसको हमने क्या बोला था कल, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, ये आपको गिवन है 348 बेटा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का यही मतलब है, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट, जब आपने सेकंड निकाला तो क्या हो गया बेटा सेकंड, तो प्लस वाले से ही निकालना है, इससे ही आपको जब सेकंड निकालोगे तो इस यही आएगा, प्लस वाले से आएगा, यहाँ Mg से नहीं निकालना आपको दो इलेक्ट्रॉन, आपको इससे निकालना था पहला। अब हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Mg गिव्स Mg2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन की आयनेशन एंथैल्पी निकालनी है, ये आपको निकालना है, मतलब अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ निकालते हैं तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो हिमांश क्या करना है बच्चों, पहले की निकालने की एनर्जी प्लस दूसरे की निकालने की एनर्जी के दोनों को सम कर देंगे तो हमें दोनों इलेक्ट्रॉन की निकालने की एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बेटा बताइए। यस सर, तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं बेटा, मुझे इसका ये चाहिए, ये चाहिए मुझे, ये रिएक्शन का एंथैल्पी वो आयनिस एनर्जी चाहिए था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिएक्शन कैसे बनेगी, देखिए कैसे रिएक्शन को बनाना है हमें, इन दोनों से हमें ये बनाना है, तो इन दोनों से ये बनाना है, कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दे रिएक्शन को, तो जो ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला राइट से कैंसिल हो जाएगा, हिमांश की नहीं होगा बेटा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, इधर Mg बचा, इधर क्या बचा Mg2 प्लस बचा बेटा, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा हिमांश, टू इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा, ठीक है, कितना मिलेगा, टू इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो दिस मींस क्या है बेटा, हमें क्या होगा, ठीक है, इसी रिएक्शन की हमें आयनिस एनर्जी चाहिए थी, तो ये रिएक्शन कैसे मिली हमें, इन दोनों को ऐड करके। तो अगर आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो बेटा तो एंथैल्पी को भी आयनिस एनर्जी को भी ऐड करोगे आप, आई वन और आई क्या करोगे टू को ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 178 और 348 बेटा टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के, लेट्स सपोज क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी थी 10, मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ऐसे देखिए, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला आयनिस एनर्जी कितने में किस एलिमेंट की 10 किलो जूल पर मोल, जब आपने आई टू निकाला तो कितना हो गया 20 किलो जूल थी, या ऐसे बोलो 25 किलो जूल थी, कितनी थी 25 किलो जूल।
लेट्स सपोज थर्ड जब इलेक्ट्रॉन निकाला आपने तो एनर्जी थी 50 किलो जूल पर मोल ऐसे। और अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये बताइए इसका क्या होगा, एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी। ए गिव्स ए प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन बेटा, तो व्हाट इज द इसकी एंथैल्पी या आइनेस एनर्जी कितनी होगी? 85। कितना हो जाएगा बेटा, सबको ऐड कर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ईमान साहब, तो पहले निकालने के लिए कितना है बेटा 10, दूसरे के लिए 25, तीसरे के लिए 50, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 85 किलो जूल पर मोल। क्लियर है हिमांश? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा बताइए अभी। क्लियर है सर। ठीक है बेटा, राइट ओके। सो दिस मींस क्या है बेटा यहाँ पे, ठीक है राइट, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही किया है मैंने, ये आई वन और आई टू बेटा आपको गिवन था, ठीक है ना राइट, इसकी हमें आइनेस एनर्जी पूछी हुई थी बेटा, दोनों को ऐड करेंगे तो यही नेट रिएक्शन मिल जाएगी। तो जो आप रिएक्शन के साथ करोगे वही एंथैल्पी के साथ करोगे, तो इसकी जो एंथैल्पी आएगी बेटा वो फर्स्ट आइनेसन एंथैल्पी प्लस सेकंड आइनेसन एंथैल्पी को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी 526 मिलेगी। क्लियर है बेटा, तो प्लीज नोट कर लेंगे आप। अच्छा हिमांश मैं आपसे ही पूछता हूँ बेटा, हाँ ठीक है, मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी आइनेसन एंथैल्पी एक्स थी, सेकंड आइनेसन एनर्जी कितनी वाई है, और थर्ड की कितनी है जेड है, और इसकी आइनेसन एनर्जी पूछी हुई है क्या होगी? X plus y. क्या हो जाएगी? X plus y plus z. क्लियर है बच्चों सभी को? क्लियर है अंशुमन? क्लियर है बेटा आपको? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों x plus y plus क्या मिल जाएगा? z मिल जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? x plus y plus z मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, तो इसकी क्या एनर्जी हो जाएगी? डेल्टा एच जो हो जाएगा बेटा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, या आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी को? क्लियर है बेटा, ये जो भी क्लास में थे बेटा सभी को क्लियर है? Yes, तो नोट कर लिया बेटा, मैं पेज टर्न कर दूं बेटा। बताइएगा बच्चों, देन आई कैन टर्न द पेज बेटा। ठीक है बेटा, ओके ठीक है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूल में आपसे पूछा जा सकता है, और जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट, नीट के लिए तो हाई बेटा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, कंपेयर फर्स्ट आई वन एंड आई टू ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बेटा। क्या पूछ रहा है? कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड आइनेस एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मतलब किसकी फर्स्ट ज्यादा है किसकी सेकेंड ज्यादा है। तो आइए इसको करते हैं बेटा क्वेश्चन को, ठीक है राइट। देखिए क्या है बेटा, जब मैं आई वन लिखूंगा तो आई वन का मतलब नाइट्रोजन का कॉन्फिग्रेशन अगर हम देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p कितना बेटा 3, और ऑक्सीजन का लिखूं तो 1s2, 2s2, 2p 4 बेटा। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट आइनेसन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, नाइट्रोजन की कि ऑक्सीजन की बेटा? अभी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले सर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, और यहाँ पे कंप्लीटली ना हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, तो दिस मीन्स फर्स्ट आइनेसन एनर्जी बेटा किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किससे बेटा? ऑक्सीजन से, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं बेटा, हाँ सेकंड ध्यान से रखिएगा, सेकंड का मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब क्या होगा नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका होगा? 1s2, 2s2, 2p कितना 2, एक इलेक्ट्रॉन में निकाल चुका हूं, सेकंड निकालना चाहता हूं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। अब आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि सेकंड आइनेस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन की बेटा? ऑक्सीजन की। क्या रीजन देंगे बेटा ऑक्सीजन की ज्यादा? हाफ फील्ड हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये हाफ फील्ड हो गया बेटा, और ये हाफ फील्ड नहीं है, तो इस केस में ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी किससे बेटा? नाइट्रोजन से। क्लियर है? रियांशी क्लियर है बेटा आपको? सभी को क्लियर है बेटा?
ठीक है प्रांजल आपको क्लियर है? अभी आपने ज्वाइन की क्लास, क्लियर है? नहीं सर, आप समझ नहीं आ रहा आप क्या करा रहे हो। मैं कल का ही आगे का पोर्शन करा रहा हूँ बेटा, आयनिस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको फैक्टर बताए थे कल, क्या फैक्टर बताए थे? चार फैक्टर कौन कौन से आयनिस एनर्जी पे जो डिपेंड करते हैं, याद है आपको प्रांजल? एक था साइज, एक था क्या बेटा जेड इफेक्टिव, एक था पेनिट्रेशन पावर, और एक था क्या कॉन्फिग्रेशन, याद आया? यस सर। तो कॉन्फिग्रेशन में क्या बताया था मैंने, हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो उसको क्या रहेगा, उसकी आयनिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमें फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करना था बेटा, किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन में कहाँ पे, नाइट्रोजन में हमें अगर हम कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये 2p3 था, यहाँ ऑक्सीजन का 2p4, तो ये हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से, हमें साफ दिख रहा है। लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बेटा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके तो कॉन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों, 2p2, और यहाँ पे क्या होगा 2p3 हो जाएगा इससे, क्लियर है? तो अब किसका कॉन्फिग्रेशन ज्यादा स्टेबल हो गया प्रांजल, ऑक्सीजन के कि नाइट्रोजन का? इसका मतलब सेकेंड आयनिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी बेटा, क्लियर है? तो ये यहाँ पे यही लिखा है बेटा, कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है, नाइट्रोजन का ग्रेटर देन है ऑक्सीजन से फर्स्ट आयनिस एनर्जी, क्योंकि ये 2p3 था, ये 2p4 था बेटा, हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये अब हाफ फील्ड हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, तो इस बार ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी। तो जो IE1 होगा बेटा, IE1 जो होता है नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, बट IE2 जो है वो ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा किससे, नाइट्रोजन से बेटा, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है राइट, तो सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, IE1 एंड IE2 ऑफ CR और MN बेटा, हाँ क्रोमियम और MN का हमें कंपेयर करना है, IE1 और IE2, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर मैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो क्या था बेटा, क्रोमियम एक्सेप्शन था बेटा, 3D5 और 4S1 था बच्चों, ठीक है ना, 24 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, और MN में 25 थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3D5 4S2 बेटा। तो आप मुझे बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, MN में कि CR में बेटा? CR में, CR में, क्यों CR में क्यों लगेगा ज्यादा, क्योंकि क्या है ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये क्या है कम्प्लीटली फील्ड है, और ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, मैंने बताया था आपको S2 P3 P6 या D5 या D10 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे तो आयनिस एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये कम्प्लीटली फील्ड है और ये कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, तो 4s2 से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू 4s1 बेटा, तो MN की ज्यादा हो जाएगी क्रोमियम से फर्स्ट आयनिस एनर्जी। लेकिन क्या सेकंड के बारे में कमेंट कर सकते हो बेटा, सेकंड किसका ज्यादा हो जाएगा, सेकंड किस, क्यों सर, CR का क्यों ज्यादा होगा बच्चों, बताइए क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फ्लैश शेल में से और फिर 3D5 हो जाएगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबल भी हो जाएगा। दूसरी चीज, एक और फिनोमिना होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, जब ये क्या होगा 3D5 आ चुका होगा, ठीक है ना, और ये कितना हो चुका होगा 3D5 4S1। अब मुझे बताइए यहाँ पे सेल चेंज हो गया कि नहीं हो गया, अभी मैंने बताया था यहाँ पे जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे कौन से सेल से निकालोगे, दोबारा बता रहा हूँ बेटा रिद्धि, यहाँ पे ये क्लियर है आपको, ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये वाला फर्स्ट, ये वाला, यस सर, ठीक है राइट। अब यहाँ पे जब आप देखिए क्या होगा बेटा, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो होगा क्या, देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन था बेटा, ठीक है राइट, CR का कॉन्फ़िगरेशन था आर्गन 18 बेटा, 4S1 और 3D5, और MN का था आर्गन 3D5 या 4S2 और 3D कितना बेटा 5, ये था कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बेटा तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा, 4s, यहाँ भी कितना है 4s, तो ये क्या है बेटा रिद्धि, ये 4s2 है बेटा और ये 4s1 है, कौन कम्प्लीटली फील्ड है बेटा बताइए, 4s2,
तो इसका मतलब इसकी आयनिस एनर्जी पहली ज्यादा हो जाएगी इससे बेटा, क्रोमियम से Mn की ज्यादा हो जाएगी, यस या नो? यस सर। ठीक है, अब हमने ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, पहले की होता, अब सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अब हो जाएगा बेटा क्रोमियम, सॉरी आर्गन 3d5 क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन 3d5 और 4s1 बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे रिद्धि, कौन से सेल से निकालोगे? थर्ड से। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे रिद्धि, कौन से सेल से निकालोगे बेटा बताइए? फोर्थ से। तो नजदीक कौन सा है न्यूक्लियस से बेटा? थर्ड की फोर्थ रिद्धि, थर्ड। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस पे होगी बेटा? सीआर पे। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? yes, सभी को आया कि नहीं आया बेटा? सभी को आया कि नहीं आया? तो जितना न्यूक्लियस से नजदीक रहेगा बेटा, उतनी आयनिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, राइट। तो इस केस में सेल चेंज हो गया बेटा, कॉन्फ़िगरेशन तो था ही, बट सेल चेंज करने का मेन रीजन है बेटा कि उसकी सेकंड जो आयनिस एनर्जी होगी वो सीआर की ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यही रीजन गिवन है बेटा। यहाँ पे क्या था, कम्प्लीटली फिल्ड था बेटा, तो ये ज्यादा स्टेबल था, इसलिए फर्स्ट इसकी ज्यादा होगी सीआर से। और आई टू क्या है बेटा, सीआर की ज्यादा होगी किससे? एमएन से बेटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एन इक्वल टू 3 है, इट इज नियर टू द न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस के नजदीक है। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है लेंथेनॉइड, इट्रियम और स्कैंडेनियम बेटा। इसका आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयनेशन एनर्जी को बेटा। तो ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है बेटा? ग्रुप थर्ड के एलिमेंट है ये। स्कैंडियम के नीचे क्या आता है बेटा? इट्रियम। इट्रियम के नीचे आता है लेंथेनॉइड या लेंथेनम। ठीक है ना, LA। तो डाउन द ग्रुप क्या करता है बच्चों, आयनिस एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज की डिक्रीज बच्चों? डाउन द ग्रुप आयनिस एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है बेटा। क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो सबसे कम किसकी होगी यहाँ पे बेटा? कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, सबसे कम किसकी होगी? LA की, फिर इट्रियम की, फिर किसका बेटा? स्कैंडेनियम। डाउन द ग्रुप क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कोई डाउट बेटा? जो भी हमने फाइव या सिक्स क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, किसी को डाउट बेटा? क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, भूमिक आपको क्लियर है बेटा? भूमिक आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए बेटा। हाँ, एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, राइट। तो राइट डाउन द एक्सेप्शंस ऑफ आयनेशन एनर्जी बेटा, इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए बेटा। तो राइट डाउन द एक्सेप्शंस बेटा। तो बेटा एस ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, डाउन द ग्रुप आयनेस एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इसका मतलब ग्रुप वन और ग्रुप टू में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ग्रुप वन एंड ग्रुप टू बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा बेटा, राइट। क्लियर है, राइट। अब सेकंड पॉइंट है बेटा, क्या एक्सेप्शन इन पी ब्लॉक। मैंने पहले ही बताया था बेटा, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आपको किसमें मिलेंगे? डी ब्लॉक में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? डी ब्लॉक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सॉरी डी ब्लॉक कह रहा हूँ, पी ब्लॉक में, और ग्रुप नंबर कितना? 13 में। मैंने बताया था आपको, कल भी हमने देखा था कि ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन थे बेटा, एटॉमिक रेडियस में या साइज में, और ग्रुप नंबर 13 का एक्सेप्शन आपको इसमें मिलेगा, आयनिस एनर्जी मिलेगा। तो अगर हम कहते हैं डाउन द ग्रुप क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, राइट। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होने की वजह से क्या होता है बेटा, जो थेलियम है वो सेकंड पोजीशन पर आता है आफ्टर बोरॉन, और गैलियम की ज्यादा होती है किससे बेटा? एल्युमिनियम से, और इंडियम लास्ट में आता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, दिस ऑर्डर यू शुड रिमाइंड दिस ऑर्डर बेटा, इसको रिकॉल रखना है आपको, भूलना नहीं है। बोरॉन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। रीजन वही है बेटा जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा किससे? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से क्यों? क्योंकि हमने बोला था वहां पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डीबीसी का मतलब बच्चों डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा वैलेंस सेल, आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा।
सेम थेलियम के साथ था बेटा, यहाँ पे क्या था लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन था क्योंकि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था पीछे, तो उसकी स्क्रीनिंग और भी पुअर थी बेटा, तो इस वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन निकालना जो वैलेंस सेल से होगा वो और भी मुश्किल हो जाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। सो रीजन पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि हीलियम की ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और गैलियम की ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि वहां पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन था बेटा। तो इसमें था पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, और इन केस में था पुअर शील्डिंग ऑफ क्या बेटा एफ ऑर्बिटल। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने लिखा बेटा, अगर आपको याद रख सकते हैं याद हो, अगर ये ऐसी बात है अगर आपको वैसे ही याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बच्चों या बच्चे जो भी है, बच्चों टीचर गए बच्चों, ठीक है राइट, तो सेकंड में टीचर गए ऑल इंडिया बेटा हाँ टूर पे, तो क्या बोलेंगे हम बच्चों टीचर गए ऑल इंडिया टूर पे, बच्चों से बी से बोरॉन, टी से बेटा थेलियम, गए से गैलियम, AL से कितना बेटा एल्यूमिनियम, IN से इंडियम बेटा। तो ये ऑर्डर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा हाँ ठीक है राइट। रीजन मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, वो रीजन हमने पहले भी लिखा हुआ था, ठीक है आप सीधे सीधे सिर्फ दो लाइन में लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे पुअर शील्डिंग है किसके डी ऑर्बिटल के, जिसको हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोला था। यहाँ पे पुअर शील्डिंग है किसकी बेटा एफ ऑर्बिटल की, जिसको हमने लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा था बेटा। तो आप सिर्फ इतना लिख लीजिए वहां पे, अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट ओनली गए बेटा ऑल, गए के बाद बेटा रिद्धि ऑल लिखा हुआ, ऑल ऑल इंडिया टूर पे बेटा, ऑल IN मतलब इंडिया टूर पे बेटा, ऑल इंडिया टूर पे बेटा। ठीक है राइट, क्लियर है बच्चों? हिमांश क्लियर है बेटा, ये रीजन क्लियर है आपको? सर रीजन एक बार रिपीट कर दो। रीजन बेटा ये था कि गैलियम का साइज बेटा छोटा होता है एल्युमिनियम से, क्यों? क्योंकि क्या होता है उसका वहां पे क्या होता है, जब गैलियम का आप कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो गैलियम के कॉन्फिगरेशन में यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे आता है बेटा 3D10 4S2 4P1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप थेलियम में लिखोगे तो आएगा 4F14 फिर 5D10 6S2 6P1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल, यहाँ पे पीछे पे बेटा डी ऑर्बिटल की क्या है बेटा स्क्रीनिंग पुअर होती है, हमने बताया था। तो स्क्रीनिंग पुअर होने की वजह से क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट फोर्स, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी होगा या ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा इसका मतलब एनर्जी क्या लगेगी आपको, ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा, पीछे डी ब्लॉक है और डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के पीछे एफ ऑर्बिटल है, तो एफ की तो और भी पोर होती है बेटा डी से भी, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे तो और भी ज्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए बेटा, निकालने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, साथ साथ में क्या हो रहा है बेटा पुअर स्क्रीनिंग भी हो रही है, तो उन दोनों की वजह से क्या होगा बेटा एनर्जी ज्यादा लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस पुअर स्क्रीनिंग को बोला था बेटा, डी ऑर्बिटल को बोला था डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, और इस एफ ब्लॉक की जो थी पुअर स्क्रीनिंग की वजह से उसको बोला था हमने लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन बेटा। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, आयनिस एनर्जी गैलियम की और थेलियम की ज्यादा होगी बेटा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? यस सर। हिमांशु क्लियर है बेटा आपको? हिमांशु मेरी आवाज आ रही है बेटा? हिमांशु क्लियर है? ठीक है बेटा राइट। नेक्स्ट एक्सेप्शन है बेटा ग्रुप नंबर 13 में बेटा, सॉरी ग्रुप नंबर 14 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, ओके ठीक है। मेरी वीडियो क्या क्लियर आ रही बेटा आप सभी को, यस या नो बेटा? यस सर। ठीक है ओके, तो ग्रुप नंबर 14 का एक्सेप्शन लिखेंगे बेटा। ग्रुप नंबर 14 में डाउन द ग्रुप क्या करेगी, आयनिस एनर्जी डिक्रीज करती है, बट क्या होता है बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है
लेड की कम होनी चाहिए थी किससे बेटा, टिन से, SN। PB क्या होता है, लेड का सिंबल, SN होता है टिन का सिंबल। तो होना क्या चाहिए था बेटा, टिन की क्या होना था, टिन की कम होती है किससे बेटा, लेड से, राइट। ऐसा होना चाहिए था कि टिन का, अगर एक्चुअल में हम देखते हैं तो टिन का क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था लेड से, बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, लेड का ज्यादा होता है टिन से, क्योंकि यहां भी वही लगेगा हमें रीजन, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जब आप टिन का लिखोगे, लेड का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो लेड के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, यहाँ पे 4F14, 5D10, 6S2 और 6P2 बेटा। और मैंने कल की क्लास में लिखाया था आपको, लेंथनाइट जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा, वो ग्रुप नंबर 3 के बाद सभी पे लगता है। तो उसका जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है बेटा, वो ग्रुप नंबर 13 और 14 दोनों पे लगता है। लेकिन जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है वो सिर्फ ग्रुप 13 पे एप्लीकेबल होता है, उसके बियॉन्ड वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो ग्रुप नंबर 4 से लेके 14 तक एप्लीकेबल होता है या इफेक्टिव होता है। बट जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ग्रुप नंबर 13 पे। तो इसीलिए क्या हुआ, इस बार जर्मेनियम की तो कम हुई क्योंकि यहाँ पे तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग गया बच्चों। इसी वजह से क्या होगा, पीबी की ज्यादा हो जाएगी किससे बेटा, लेड से। तो क्या लिखा है यहाँ पे रीजन बेटा, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन पुअर स्क्रीनिंग ऑफ क्या बेटा, एफ ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा, क्लियर है दोनों, ये दोनों, ये पहले फर्स्ट और सेकेंड एक्सेप्शन बेटा पी ब्लॉक में। यस सर, देखा खतरनाक सीटी लगी बच्चों, हाँ नींद खुली कि नहीं खुली, हाँ राइट, अरे घंटी नहीं दी, हाँ घंटी है बेटा, हाँ खतरनाक बजी अभी। चलिए बेटा, हाँ तो डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक का एक्सेप्शन बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो डी ब्लॉक में बेटा ग्रुप नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, मैंने अभी बताया था, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा बेटा। तो स्कैंडिनेवियम की ज्यादा होगी इट्रियम से, फिर लेंथेनम से, ठीक है राइट। अब प्लीज याद रखने का तरीका बता रहा हूं बेटा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ठीक है राइट। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं बेटा, हर एक एक्सेप्शन को जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, काफी एक्सेप्शंस होते हैं डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन में बेटा, प्लस उनका जो जेड इफेक्टिव होता है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो इसीलिए एक्सेप्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डी, मतलब रीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर डी ब्लॉक, बट एक्सेप्शंस आपको याद रखने की क्या क्या एक्सेप्शन है, वो रीजन नहीं पूछेगा क्योंकि रीजन कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है इसका, ठीक है। बट वो आपसे ये ट्रेंड जरूर पूछ सकता है आपसे। तो तरीका क्या है बेटा याद करने का, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक बेटा वो डी ब्लॉक था, तो ग्रुप नंबर 3 में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। अब 4, 5, 6 और 10 क्या है, 3 के बाद 4, 5, 6 और सीधे 10, इसमें क्या होता है बेटा, जो 5D है, जो 5D सीरीज जो है, ठीक है ना, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 5D की ज्यादा हो जाएगी 4D से, फिर किससे, 3D से। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा था, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, किसके लिए, 4, 5, 6 और किसके लिए बेटा, 10 के लिए, ठीक है राइट। और जो बाकी जो बचे हुए ग्रुप्स हैं बेटा, वो कौन कौन से बचे हुए, 7, 8, 9, 11 और 12, 3 हो चुका था, 4, 5, 6 और 10 भी हो चुके थे, बचे कितने, 7, 8, 9, 11 और 12 ये बचे हुए हैं। इसमें क्या करना, इस 3D को बीच में कर देना 4D और 5D के, मतलब जो 3D मतलब क्या है, फोर्थ पीरियड था, 3D वाला फोर्थ पीरियड था, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो फोर्थ पीरियड है वो बीच में आ जाएगा, 5 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, 5 की, और सबसे कम होगी 4 की, और बीच में क्या हो जाएगा बेटा, 3D सीरीज का हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं पहली बोल रहा हूँ बेटा, आपको याद रखना है, ठीक है राइट, क्योंकि हर एक कॉन्फिगरेशन क्यों होता है, मैं पहली बोल रहा हूँ बेटा, रीजन कहीं भी वैसे वैलिड जस्टिफाइड नहीं है, एक आध के लिए आप रीजन दे सकते हैं, अदरवाइज सबके लिए रीजन देना पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है राइट।
क्लियर है। यहाँ पे तो हम रीजन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रीजन हुआ कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आपने बोल दिया, ठीक है ना, सॉरी एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया कि डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो नजदीक होते हैं, ठीक है ना, राइट, जैसे आपने क्या करा, ये 3D है, ये क्या है, लेंथनॉइड है। तो लेंथनॉइड में क्या था बेटा, यहाँ पे क्या था, लेंथनॉइड के बाद इसके अंदर 4F14 आएगा बेटा, और इसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप नंबर 3 था, ग्रुप नंबर जो 4 होगा उसके पीछे 4F होगा, ठीक है ना, राइट, 4F14 होगा ऐसे, फिर होगा यहाँ पे 4D, यहाँ पे क्या होगा, या 3D जैसे, या सॉरी 4D क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, देखिए कॉन्फ़िगरेशन 4F14 के बाद 5D यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4F14 अगला वाला, ये ग्रुप नंबर किसकी, 4 की बात कर रहा हूँ, फिर ग्रुप नंबर 5 की बात करेंगे, 5D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। तो जो ये 4F के नजदीक है, ग्रुप नंबर 3 के नजदीक है, वहां पे तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, तो इसीलिए क्या होगा, क्या होगा, ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, 5D फिर 4D फिर 3D। लेकिन जो 3 से, ग्रुप नंबर 3 से थोड़ा दूर होंगे, वहां पे ऑर्डर क्या होता है, ऐसा हो जाता है, 4D और 5D के बीच में 3D सीरीज आ जाती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऐसा होता है, उसके बीच में आ जाता है। क्लियर है? सो इसमें याद रखना है आपको कि 4, 5, 6 और 10 बेटा ये ऑर्डर रहता है, सिर्फ याद रखना है, रीजन की जरूरत नहीं हमें। 7, 8, 9, 11 और 12 कितना होता है बेटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि अरेंज द फॉलोइंग, क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कॉपर सिल्वर और गोल्ड बेटा AU, इसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। तो सबसे ऊपर आता है कॉपर, कॉपर के नीचे आता है बेटा सिल्वर, और सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड। तो ये होता है 3D सीरीज, ये होता है बच्चों 4D और ये होता है 5D, ठीक है, राइट। और ये कौन सा ग्रुप होता है, ये ग्रुप नंबर कौन सा होता है बच्चों, 11, क्या होता है, 11। इसलिए मैंने कहा था आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए बेटा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर क्वेश्चन आपको जल्दी होंगे नहीं। तो ये क्या है, ग्रुप नंबर 11 बेटा। तो ग्रुप नंबर 11 में आएंगे तो 11 का मैंने क्या बताया था ऑर्डर बच्चों, क्या ऑर्डर बताया था, 5D का सबसे ज्यादा, फिर किसका, 4D का, फिर किसका, 3D। तो सबसे कम आयनाइज एनर्जी किसकी होगी इसमें, सॉरी ये नहीं था ऑर्डर, 11 का तो मैंने बताया था, क्या बताया था, 4D और 3D के बीच में रहेगा ना, ये बताया था मैंने, सॉरी क्या बताया था मैंने 11 के लिए, क्या बताया था बच्चों, तो बीच में किसका होगा, कॉपर बीच में होगा, सबसे कम किसका होगा बेटा, सिल्वर का, और सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, गोल्ड का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड का, वो आपसे पूछा था, ट्रेंड पूछेगा, तो आपको याद रहना रखना है कि सिल्वर का सबसे कम, फिर कॉपर का, फिर किसका बेटा, गोल्ड का। यही अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता बच्चों कि जिंक कैडमियम और मरकरी बेटा, जिंक कैडमियम और मरकरी का ऑर्डर बताइए, तो क्या ऑर्डर होता बच्चों, कौन बताएगा, जिंक कैडमियम मरकरी किस ग्रुप के एलिमेंट है, किसी को याद है, किसी को याद है जिंक कैडमियम मरकरी, नहीं बेटा किसी को याद नहीं है, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट है, किसके नंबर है, ग्रुप नंबर 12। तो ऊपर आता है बेटा जिंक, नीचे आता है कैडमियम, और फिर नीचे आता है मरकरी। तो ग्रुप नंबर 12 का क्या ऑर्डर था बच्चों, बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ग्रुप नंबर 12 का, 4D सबसे कम, 3D बीच में, और सबसे ज्यादा किसकी बेटा, 5D का। तो बताइए सबसे कम किसकी होगा बच्चों इसमें, बताइए बेटा सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा बच्चों, ये क्या है, ये 3D सीरीज है बेटा, 3D में इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4D में, इसमें 5D में बेटा। तो CD का सबसे कम होगा, फिर किसका होगा, जिंक का, और फिर किसका होगा, मरकरी, ठीक है, राइट। तो प्लीज पीरियोडिक टेबल याद करिए, याद नहीं हो रहा तो रोज, अगर आप एक भी या दो ग्रुप भी आप रोज याद करेंगे तो ये 2-3 दिन में याद हो जाएगा बेटा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ आपसे आगे इनऑर्गेनिक नहीं होने वाली बेटा। तो आप ये सोचे कि ये ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है, राइट। क्वेश्चन ऐसे आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं होने है। आता आता क्वेश्चन आपका छूट जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपने याद नहीं किया है। 10th तक आप याद ही करते थे बेटा सब कुछ, ठीक है, राइट।
तो आपको याद करने की अपनी टेंडेंसी कम नहीं करनी, उसको वैसे ही रखना है कि आपको साथ साथ याद भी रखना पड़ेगा। आप याद नहीं रखेंगे तो ऑनेस्टली कहूँ तो क्वेश्चन नहीं होने वाले बेटा। जेई मेंस में शायद हो जाए बट एडवांस में नहीं होंगे। एडवांस में और कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए बेटा, ठीक है राइट। और मेडिकल वाले बच्चों खासतौर से पीरियोडिक टेबल रटा हुआ होना चाहिए, मतलब नॉन मेडिकल को भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट जो नॉन मेडिकल हैं उनको, सॉरी मेडिकल वाले बच्चों को तो पूरा 118 तक आना चाहिए बेटा। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। कम से कम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को मैं नहीं कहूंगा कि एफ ब्लॉक आप याद करिए, नहीं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो आपको याद होना ही चाहिए। एफ ब्लॉक हम अगले साल देखेंगे जब हम अगले साल एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट फॉर दिस ईयर यू शुड नो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बेटा। और डी ब्लॉक में भी फर्स्ट तीन सीरीज 3D, 4D और 5D बेटा, वो याद होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? सो दीज आर द एक्सेप्शंस बेटा। एक्सेप्शंस मेनली किसमें थे? ग्रुप नंबर 3 में था, ठीक है ना राइट। और ग्रुप नंबर किसमें, सॉरी ग्रुप नंबर 3 में नहीं, ग्रुप नंबर 13 में था, दैट इज पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस थे वो मैंने अभी लिखवाए आपको, ठीक है राइट। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन बेटा। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं डाउन द ग्रुप बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज करती है, अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है किसी एलिमेंट की, लो है, तो मैं बोलूंगा क्या मेटेलिक करेक्टर कम है कि ज्यादा है बच्चों बताइए। अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों लो है तो हम मेटेलिक करेक्टर के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं बच्चों? लो है कि क्या बोलेंगे, ज्यादा है कि कम है? मेटेलिक करेक्टर में ज्यादा है सर। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे जो हमने बोला था मेटल क्या होता है, विच इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर एलिमेंट एक एक्स है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 10 है और एक वाई है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 20 है, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा? 10 एक्स की वाई, कौन करेगा इजीली लूज? एक्स विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। सो दिस मीन्स एक्स का मेटेलिक करेक्टर क्या है बेटा? ज्यादा है। सो दिस मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स हाई इज द मेटेलिक करेक्टर बेटा, मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो, ठीक है राइट। और अगर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है किसी एलिमेंट में तो उसके ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल ऑक्साइड्स आपको पता है एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, किसी को याद है? मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर बिल्कुल सही है। क्या है? बेसिक नेचर का। इसका मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी बेटा लो है तो मेटेलिक करेक्टर हाई है और बेसिक नेचर भी क्या है? ज्यादा है, हाई है, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा? राइट। तो यहां पे यही लिखा हुआ है मैंने, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स हायर मेटेलिक करेक्टर, बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का भी मतलब ये होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट जिन पे टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। तो यूजली मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बेटा। नॉन मेटल्स को टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है इसीलिए वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के। तो अगर किसी एलिमेंट की बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक नेचर भी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। अब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं बेटा। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी बताइए? यस सर। तो मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज। बेसिक नेचर क्या करेगा? इंक्रीज। एसिडिक नेचर क्या करेगा? डिक्रीज। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा सर, ठीक है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको लिख लेंगे बेटा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? देवांशी अभी आवाज आ रही है बेटा आपको? देवांशी अभी आवाज आ रही है? अर्षिता बेटा क्लियर है आपको? ठीक है।
अब मैं अगर अलोंग द पीरियड बात करता हूँ बेटा, तो अलोंग द पीरियड में आयनिस एनर्जी क्या करती है बच्चों? इंक्रीज। तो मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा बच्चों इस बार? डिक्रीज। और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज। बेसिक नेचर क्या करेगा? डिक्रीज। बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एसिडिक नेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये वही लिखा बेटा मैंने यहाँ पे, ये ऊपर कह रहे हो बेटा इंक्रीज, नीचे कह रहे हो बच्चा क्या? डिक्रीज बेटा। हाँ सर, ईपी की फुल फॉर्म? ईपी मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके सर, प्लीज नोट्स जरूर बनाइए बेटा। हाँ नोट्स आपके अच्छे रहेंगे ना तो आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, आपके कॉपी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। और आप क्या रहते हो उस समय क्लास में अटेंटिव भी रहते हो आप जब आप नोट्स बनाते हो। आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आपका दिमाग इधर उधर रहता है, आप लिसनिंग स्किल्स आपकी कम हो जाती है। जब आप नोट्स बनाते हो तो आप सुनते प्रॉपरली हो और फिर आप लिखते भी लिखते हो, सुन के तब लिखते हो, तो इसलिए लिखने की वजह से लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है बेटा। और आप अच्छे समझेंगे तो आपको रिकॉल करने में या बाद में जब रिवाइज करेंगे तो उसको कनेक्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। सो कम लिख लिया बच्चों आपने? लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है राइट। तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा बेटा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था, मेटल्स नॉन मेटल्स में। आपने सुना है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज बेटा? यस सर। सबसे ज्यादा टॉप पे कौन था उस रिएक्टिविटी सीरीज में, किसको रखा था आपने? सोडियम को कि पोटेशियम को? पोटेशियम बेटा, पोटेशियम ऊपर था, ठीक है राइट, क्लियर है। सोडियम नीचे और सो ऑन बेटा, ठीक है ना राइट। तो है क्या जो रिएक्टिविटी सीरीज आपने जो बनाई थी वो किसके हिसाब से बनाई थी? टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट की जिसकी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी लूज करने की ज्यादा होती है उसको टॉप पे रखा था, जिस पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम थी उसको नीचे रखा था। नीचे आपने रखा था गोल्ड को, करा था गोल्ड या सिल्वर को रखा था आपने नीचे। सो दिस मीन्स क्या होगा बच्चों, अगर आयनिस एनर्जी कम होगी किसी की भी तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर आयनिस एनर्जी कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा बेटा सो दिस मीन्स क्या होगा, वो इजीली किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, किसी के साथ रिएक्ट करेगा। सो दिस मीन्स क्या है बच्चों, अगर आयनिस एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या बेटा, ज्यादा है। रिएक्टिविटी मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है राइट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसका। जिसकी आयनिस एनर्जी बेटा कम होती है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है बेटा, हम बाद में एक चैप्टर पढ़ेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन बेटा, आपने थोड़ा बहुत क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, ठीक है ना राइट। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में सुना है आपने बच्चों? ऑक्सीडेशन रिडक्शन? यस सर। तो ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन करते हैं आप, क्लास टेंथ में कैसे डिफाइन किया था आपने? गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ तो मैं आपको नई डेफिनेशन बेटा, नई डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस, और रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन, और किसका बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो याद रखेंगे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन का गेन करना वो छोड़ देंगे हम, ठीक है ना राइट। वो हम बाद में वो ड्रॉप कर देंगे बेटा, क्योंकि वो डेफिनेशन पुरानी है। न्यू डेफिनेशन क्या कहती है, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन बेटा। अंशुमन कुछ कह रहे थे आप? सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बेटा, मैंने जैसे याद किया ऑयल रिग, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ऑयल रिग। ऑयल का मतलब, ऑयल रिग का मतलब होता है बेटा तेल के कुएं, जो दुबई उबई में सऊदी अरब में जो कच्चे तेल के कुएं होते हैं, जो क्रूड ऑयल के कुएं होते हैं, वेल होते हैं, उसको ऑयल रिग कहते हैं बेटा, ठीक है ना राइट। तो ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, और आर आई का मतलब, आर ए जी का मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? ओ आई एल, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज क्या बेटा? गेन, और किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन बेटा, ठीक है।
फिर आपने एक पढ़ा होगा बेटा, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात होगी, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आपने सुना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बेटा किसी ने? यस सर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? उल्टा बोलना है अब, यहाँ पे उल्टा बोलना है बेटा। हाँ यहाँ पे उल्टा बोलना है। ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस था। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, एजेंट क्या करता है? दूसरे का काम करता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे LIC करानी है, तो जो एजेंट होगा वो अपनी LIC करता है कि हमारी LIC करता है? हमारी करेगा ना। आपको लेट्स सपोज अगर ट्रेवल एजेंट है कोई, अगर आपको टिकट बुक कराना है तो किसका टिकट बुक करता है? अपना बुक करता है कि हमारा करता है? हमारा करेगा ना। तो एजेंट क्या करता है? किसी का काम करने में हेल्प करता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। तो हेल्प कैसे करेगा? ऑक्सीडेशन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो गेन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देना आप, एजेंट जब लगाओ तो इसका उल्टा कर देना आप। ऑयल रिक था, ऑक्सीडेशन इज लॉस बच्चों, रिडक्शन इज गेन। लेकिन जब मैं एजेंट बोलूंगा ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो लूज करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ, देखिए कौन बताता है, अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ सोडियम और पोटेशियम है बच्चों, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो कौन बताएगा? सोडियम और पोटेशियम में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनिस एनर्जी क्या कर रही थी बच्चों? डिक्रीज कर रही थी। तो इसका मतलब पोटेशियम इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा एज कम्पेयर टू सोडियम। तो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। तो यही ऑर्डर मैंने लिखा है बच्चों। यहाँ पे याद रखना लिथियम एक्सेप्शन है बेटा। इसका एक्सेप्शन का रीजन मैं जब एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वाई लिथियम क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू इन सबसे। तो आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन इन द लेटर ऑन बेटा इन एस ब्लॉक चैप्टर। तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो रिड्यूसिंग पावर बोलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ही चीज है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप सीजियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। बट ड्यू टू सम एक्सेप्शन लिथियम सबसे पहले आ जाएगा, तो इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है, राइट। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ऐसे क्वेश्चन गिवन है आपको बेटा, Na2O, K2O और आपको CH2O गिवन है, ऐसे गिवन है, और पूछेगा बताइए सबसे अच्छा बेसिक नेचर किसका है इसमें, या बेसिक ऑक्साइड, सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा है इन तीनों में? सोडियम बेसिक ऑक्साइड है। ओके, क्यों सोडियम है बेटा? क्या रीजन होंगे? सर CH2O होगा। CH2 होगा, क्यों CH2 होगा अंशुमन, या क्या बेटा? CH2 क्यों होगा सर? क्योंकि जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अभी मैंने बताया था बच्चों कि अगर आयनस एनर्जी लो है तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, बताइए? इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? अभी लिखा था ना हमने कि अगर क्या होगा, यहाँ पे लिखा था मैंने, अगर क्या होगा, लो आयनिस एनर्जी होगा तो बेसिक नेचर क्या करेगा, हाई होगा कि नहीं होगा, बताइए? यस सर। यस, तो किसका बेसिक, इसमें से तीनों में सबसे बेसिक कौन सा है? ऑक्साइड है, सीजियम पोटेशियम की सोडियम, सबसे बेसिक कौन सा है, या सबसे आयनिस एनर्जी कम किसकी है? सीजियम की, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनिस एनर्जी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं समझे? देखिए क्या है बेटा, अभी मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आयनिस एनर्जी बेटा कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही बोला था मैंने। बेसिक नेचर का मतलब है ना, ठीक है बेटा, राइट। मेटल्स जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? सीजियम पोटेशियम की सोडियम, सीजियम। क्यों? क्योंकि सीजियम इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो बेसिक नेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा बच्चे? K2O का, फिर Na2O का।
तो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है बेटा। डाउन द ग्रुप क्या करता है, बेसिक नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑक्साइड्स का। तो जो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी बेटा, तो CS2 की सबसे ज्यादा, फिर K2O की, फिर किसकी बेटा, Na2O की। क्लियर है बेटा, राइट ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में पूछता, देखिए यहाँ ये देखिए क्या है, N2O5 CO2 B2O3 BeO और Li2O बेटा। तो आप देखिए क्या है, अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं, हम देखिए यहाँ पे दे आर अलोंग द पीरियड बेटा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन बेटा। और अलोंग द पीरियड में क्या होता है, बेसिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आप लिखना चाहते हो, बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, और बेसिक नेचर अलोंग द पीरियड बेटा लेफ्ट टू राइट वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा इसमें से, नाइट्रोजन सबसे कम बेसिक होगा, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बेटा, लिथियम का ऑक्साइड। यस सर, तो ये ऑर्डर लिख लेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, सो आज हमने बेटा आयनेशन एनर्जी डिस्कस की है ठीक है राइट। प्लीज मैंने बेटा सीट दी थी आपको, मैं सोच रहा था आपको हार्ड कॉपी दूंगा, मुझे पता है हार्ड कॉपी देनी चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है, हार्ड कॉपी में करना आसान रहता है बेटा, फोन पे बार बार देखना अननेसेसरली बर्डन पड़ता है, ठीक है राइट। बट क्लास हो नहीं पाई बेटा, तो आप प्लीज जो क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है ना, सभी के सभी पर कल हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, मुश्किल है सर, मुश्किल है काफी, मुश्किल है तो कोई बात नहीं बेटा, अब आपको पता चला ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, ठीक है क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए बेटा, है ना, कि अगर मैं आसान आसान करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है बेटा, ठीक है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, कि वो खुश करने वाली बात अलग है कि मैं आपको खुश करता रहूं, आप भी खुश हो, और बाद में रिजल्ट बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। हम अभी चाहे कितना भी दुखी हो जाए, कितनी मेहनत कर लें, वो ज्यादा अच्छा है, रिजल्ट हमारा सबका अच्छा आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आप दोबारा जरूर ट्राई करिए बेटा, ठीक है ना, हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में, डोंट वरी कि सारे के सारे जो भी प्रीवियस ईयर के, हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों, तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। हाँ, मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ बेटा, और रिकॉर्डिंग भी आपको अभी सेंड करूंगा, जिन बच्चों ने क्लास लीव कर दी है बेटा, ठीक है राइट, तो वो जो अभी भी प्रेजेंट है बेटा वो भी कर लेंगे बेटा। अगर कुछ छूटा हुआ है आपका, किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे आप कॉल कर सकते हैं मुझे बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल हेजिटेट ना करिए, 11-12-13 बच्चे हैं बेटा क्लास में, अगर आप तभी भी हेजिटेट करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, सो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी आपके सिली आपके दिमाग में आ रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं वैसा, ठीक है राइट, तो आप जरूर पूछिए, ठीक है, उससे ज्यादा डाउट की क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में, आपकी क्लैरिटी ज्यादा आएगी, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है राइट। क्लियर है बच्चों, तो प्लीज असाइनमेंट जरूर करिए, जितने भी हो रहे हैं आपसे, 1, 2, 3, 5 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन थे, उसमें से 30 में से जितने भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, 10, 12 जितने बन रहे हैं, आप बनाइए, ट्राई करिए सॉल्व करने का, 2 बार करिए, ठीक है राइट, और फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा उसको, ठीक है राइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा।